इसके पहले हमने थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। थर्मल कंडक्टिविटी क्या थी बेटा, जहां पर हमने क्यू की वैल्यू निकाली थी, के ए डेल्टा थीटा टी अपान एल, यहां पर हमने क्यू की ये वैल्यू निकाली थी अमाउंट ऑफ हीट। अगर आप के की वैल्यू निकालना चाहो तो Q into L अपान A डेल्टा थीटा into T, दिस इज द कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था। ठीक, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सोचो कि अगर हमसे एक बात पूछे कि डेल्टा थीटा अपान L को हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते थे, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं किसको बेटा, डेल्टा थीटा अपान L को, मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेस व्हेन द लेंथ इंक्रीजेस, अगर हम लेंथ बढ़ाते चले जाएं तो टेम्परेचर ज्यादा फॉल्स करता रहता है, गिरता जाता है, उसको हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट के नाम से कहते हैं। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ कि हम पढ़ रहे हैं थर्मल रेजिस्टेंस। आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पोटेंशियल पढ़ा होगा, वी अपान आई को बच्चा आर कहते हैं, वी अपान आई को आर कहते हैं, मतलब वहां पर करंट फ्लो करता है तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। यहां पर थर्मल रेजिस्टेंस कहो या मैं आपसे हीट करंट कहूं, हीट करंट कहूं, एक ही बात होगी। पॉपुलर नेम थर्मल रेजिस्टेंस है और हीट करंट भी कहा जा सकता है। बेटा H, इसको सिंबल होता है H और H इक्वल होता है Q अपान T, H इक्वल होता है Q अपान T, इसको कहते हैं हीट करंट, ये बन गया हीट करंट H और H इक्वल Q अपान T। कुछ लोग इसी H को फ्लो ऑफ हीट कहते हैं, फ्लो ऑफ हीट। अब आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप फ्लो ऑफ हीट भी कह सकते हो, हीट करंट के नाम से भी कह सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस नाम से याद होता है। तो बेटा Q की वैल्यू क्या ये लिखी है, के ए डेल्टा थीटा टी अपान एल, जरा यहां पर वैल्यू रखो तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, के ए डेल्टा थीटा अपान एल। ठीक है, आपको यही मिलेगा, टी से टी, यहां पर जो टी है यहां पर ये टी, ये अपान के टी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं कह सकता हूं हीट करंट, या आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर सेकेंड, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर सेकेंड, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा हिंट्स में, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर सेकेंड। अच्छा, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, ये कैलोरी है तो ये सेकंड होगा, तो कैलोरी पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, आप कह सकते हो किलो कैलोरी पर सेकंड, आप किलो कैलोरी को जूल में बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा कि H इक्वल मिला के ए डेल्टा थीटा अपान एल, तो क्या मैं डेल्टा थीटा अपान एल की जगह यहां पर चेंज कर लूं, तो एच इंटू एल इक्वल के ए डेल्टा थीटा, ये बनेगा एच इंटू एल इक्वल के ए डेल्टा थीटा। तो बताओ मैं डेल्टा थीटा यहीं पर रखूं जहां पे है, अपॉन में एच ले आऊं, अपॉन में एच, तो बताओ इधर क्या बनेगा, एल अपान के ए, क्या बचेगा बेटा, एल अपान के, डेल्टा थीटा यहीं पर है, एच को इधर ले आए तो के उस तरफ चला जाएगा, तो एल अपान के। बताओ हीट कैसे फ्लो करती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा नहीं हीट फ्लो करेगी नहीं। इसका मतलब है कि अगर हमको हीट फ्लो करानी है तो श्योर 100% ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। तो डेल्टा थीटा अपान एच का बिल्कुल सिमिलर इससे मिलता है, देखो डेल्टा थीटा अपान एच, हम यहां पर फ्लो कराते हैं करंट, यहां फ्लो करती है हीट, यहां पर पोटेंशियल, करंट के फ्लो होने से मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस, और भैया हीट तभी फ्लो करती है जब होता है क्या, टेम्परेचर डिफरेंस। कर बोथ आर सिमिलर अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन, कर दोनों को कंपैरिजन कर लो तो लगभग लगभग सिमिलर मिलते हैं, क्योंकि हीट तभी फ्लो करेगी जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आप दोनों वायर ले लो, दो वायर ले लो, 10 ओम 10 ओम, 10 वोल्ट 10 वोल्ट, करंट कभी फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर, मतलब बड़े वैल्यू से छोटे की तरफ, और दोनों 10 कर दो 10 वोल्ट, करंट कभी फ्लो करेगा ही नहीं।
अगर आप एक वायर पकड़ लें, उस वायर के पूरे एंड पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल दे दीजिए, आप करंट फ्लो कराइए, कभी करंट फ्लो ही नहीं करेगा। करंट हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर, तो हायर से लोअर का मीन्स कुछ ऑर्डर घटना चाहिए, वहां तो ऑर्डर घट नहीं रहा है, तो बताओ कैसे फ्लो करेगा करंट? करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए जब आपके घर में सप्लाई आती है, जो लास्ट सर्किट होता है सबसे लास्ट, वहां पर पोटेंशियल कम हो जाता है, वहां पर करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। यही रीजन है कि अगर हम करंट फ्लो कराएं, तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि करंट कब फ्लो करेगा, तो आप बताना पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट ऑलवेज फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हमेशा बड़े पोटेंशियल से कहां चलता है, छोटे की तरफ। ऐसे तो हीट कहां चलेगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा ही नहीं, हीट फ्लो कैसे कराओगे, होगा ही नहीं। तो फिर यह फिनोमिना को सेट बिल्कुल इसी तरीके मिलता जुलता है, ये पोटेंशियल है और ये करंट है, इसीलिए इसका नाम L/kA या इसका नाम पड़ जाता है बेटा थर्मल रेजिस्टेंस, और इसी को लोग कहते हैं RH। ठीक, तो आप RH ना बनाकर मेरे हिसाब से HR बनाओ, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हीट पड़ रहे हो ना, H थर्मल रेजिस्टेंस। HR का मीन्स क्या हुआ, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, डेल्टा थीटा अपान H। डेल्टा थीटा अपान H किसके इक्वल है, L अपान KA के इक्वल, बोलो इतनी बात। ठीक है, तो ये हमको बेटा डेफिनेशन मिल गई क्या, थर्मल रेजिस्टेंस की। इसको क्या कहते हो, हीट करंट या फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर सेकंड, H इक्वल Q बाई T, Q की वैल्यू बेटा ये होती है, बोलो इतनी बात। ठीक है, डेल्टा थीटा अपान एच को क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, एच आर होता है। ठीक है, तो बताओ एल अपान के ए इससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल अपान के ए। एल क्या है, लेंथ ऑफ स्लैब, के क्या है कोफिशियंट ऑफ कंडक्टिविटी, और ए क्या है उस स्लैब का एरिया, ए क्या है उस स्लैब का एरिया, बोले इतनी बात। ठीक है, इसी को कुछ बुक्स में कुछ फॉर्मूला चेंज कर देते हैं। एक वीडरमैन का इक्वेशन है, ग्रेजुएशन में आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, के अपान सिग्मा टी इक्वल कॉन्स्टेंट होना चाहिए, के अपान सिग्मा टी कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। यहां पर के क्या है वो तो सब जानते हो, कोफिशियंट ऑफ कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है, क्या आपको याद है 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में सिग्मा को शायद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते थे, नहीं याद है, याद करने थोड़ी कोशिश करिए। रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहते थे। मैं थोड़ा हिंट दिला दूं, R इक्वल आपने शायद पढ़ा था V अपान I, फिर आपने R पढ़ा होगा रो L अपान A, इसी रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आप कहते हैं रेजिस्टिविटी के शॉर्टकट के नेम से, और इसी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, जिसको सिग्मा कहते हैं, सिग्मा इक्वल होता है 1/ρ, सिग्मा इक्वल होता है 1/ρ। तो ये जो सिग्मा है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब ये कभी कभी कंपटीशन लेवल में पूछ लेता है कि के अपान सिग्मा टी का रेशियो कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। अगर दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करा रहे हो तो के वन अपान टी वन इक्वल के टू अपान टी टू, बिकॉज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर द सेम मटेरियल आर सेम। अगर आप एक कॉपर का वायर ले लो तो कॉपर के वायर का सिग्मा बदलेगा नहीं, अगर आप कॉपर का दो टुकड़े कर दो, 10 टुकड़े कर दो, तब भी उसका सिग्मा चेंज होगा नहीं। एक कॉपर एक सिल्वर कर लो तो बदल जाएगा, क्योंकि आपने मटेरियल ही बदल दिया पूरा। तो ये क्वेश्चन कहीं कहीं यूज हो जाती है, वैसे यहाँ तो मोस्टली यूज होगी नहीं, तो पहले इतना नोट कर लें। न्यूमेरिकल कह रहा है थिकनेस ऑफ आइस ऑन द लेक इज 5 सेंटीमीटर, द थिकनेस ऑफ आइस, बर्फ की जो मतलब आइस का जो टुकड़ा है उसकी थिकनेस है 5 सेंटीमीटर। तो थिकनेस कह दो चाहे लेंथ कह दो, एक ही मतलब है यहाँ पर। तो बेटा एल कितना है, 5 सेंटीमीटर, चेंज कर लो 5×10⁻²⁪ मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ एयर इज -20°C, टेम्परेचर ऑफ एयर कितना, 20°C, और बेटा आइस का कितना होता है, 0°C, आइस का कितना होता है, 0, तो बताओ T1 कितना है, 0°C, T2 कितना है, -20°C, तो बताओ डेल्टा टी कितना, T1 माइनस T2
T2, तो T1 माइनस T2 करोगे तो बच्चा 20 ही बचेगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे सुनो, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर इनसाइड द लेक, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर, रेट का मतलब होता है टाइम और कूलिंग का होता मतलब होता है हीट, तो क्यू अपॉन टी को अभी मैंने बताया है, क्या कहते हैं, एच कहते हैं। कितना, 20,000 कैलोरी पर मिनट, 20,000 कैलोरी पर मिनट, इतनी बात ठीक है। फिर कह रहा है थ्रू द ईच स्क्वायर मीटर ऑफ सरफेस, ईच स्क्वायर मीटर, ईच स्क्वायर मीटर एरिया कितना, 1 meter square, तो पूछ रहा है फाइंड द के ऑफ द आइस, बताइए कि आइस का के कितना होगा, के का मींस आइस का के मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशियंट ऑफ कंडक्टिविटी कितनी है, हमसे बेटा के पूछ रहा है। ठीक, दिमाग लगाना शुरू करें, देखो यहां मिनट है, चाहिए नहीं सेकंड चाहिए, तो मिनट को सेकंड बनाने के लिए 20,000 डिवाइड बाय 60 बन गया बेटा कैलोरी पर सेकंड, जीरो से जीरो काट दो, बाकी आप सेट कर लेना, ये एच हो गया बेटा, हमको एल पता है, हमको डेल्टा टी पता है, आप डेल्टा टी कह दो या हो सकता है कुछ लोग डेल्टा थीटा। ठीक है, हमको बेटा एरिया भी पता है, अभी अभी आपने फॉर्मूला लिखा है एच इक्वल क्यू अपान टी इक्वल के ए डेल्टा थीटा अपान एल, ये लिखा था ना, के ए डेल्टा थीटा अपान एल, बेटा एच पता है कितना, 20,000 अपान, सॉरी एक जीरो कट चुका है, 2,000 अपान 6 इक्वल, बेटा के नहीं पता, एरिया बच्चा 1, बेटा डेल्टा थीटा 20, लेंथ बेटा 5×10⁻¹। ठीक है, जरा कैंसिल करके देखो, यहां से एक काम करो, देखो 20 से 20 कैंसिल 100 बार, 20 से 20 कैंसिल और दो जीरो 100। ठीक है, क्या आपको एक बात समझ में आई, यहां पर लिखा है 10⁻², और 10⁻², जब इसका पूरा प्रोडक्ट इसके साथ करोगे बच्चा, तो देखो 10⁻+2 है और ये 10⁻², और 10⁻० वैल्यू होती है 1, तो बताओ यहां कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, इक्वल बेटा कितना बचा, 6k, ये तो कैंसिल हो चुका है, तो बताओ k इक्वल 5/6, 6×8 = 48, 0.8 कितना हो गया, 0.8। k की यूनिट क्या थी, k की यूनिट क्या थी, q इक्वल k a डेल्टा थीटा t अपॉन l, बताओ k क्या था, q इंटू l अपॉन a डेल्टा थीटा इंटू टी, बताओ यूनिट क्या बनी, कैलोरी मीटर मीटर स्क्वायर, तो कैलोरी पर मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस, और बेटा कैलोरी पर सेकंड को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे कैलोरी को जूल बना लोगे ना, तो क्या कहते हैं, वाट, तो वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कैलोरी में है, चाहो तो जूल में बदलना बिल्कुल बदल सकते हो, एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। ठीक है, ओके, तो आपके यूनिट बन गए भैया कैलोरी पर मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस। आइस का के कितना है, 5/6, या 5/6 का मतलब होता है 0.8, बोलो ठीक है, हाँ नोट कर लिया। कह रहा बेटा एन आयरन बॉयलर इज 1 centimeter थिक, एक आयरन का बॉयलर है जो 1 centimeter थिक है, तो 1 centimeter थिक है, तो आप एल मान लो, ले चाहो तो एक्स मान लो, डी मान लो, जो आपके ऊपर डिपेंड है, तो बताओ एल क्या हो गया, 1 centimeter, सेंटीमीटर को मीटर बना लो, 10⁻²। ठीक, फालतू चर्चा ना करें, 1 centimeter थिक है, हैज अ हीटिंग एरिया 2.5 meter square, एरिया दे रहा है 2.5 meter square। फिर कह रहा है टू सरफेस ऑफ द बॉयलर हैव अ टेम्परेचर 230 degree Celsius and 100 degree Celsius, बॉयलर के दो सरफेस हैं,
आपको पता है हीट फ्लो करती है बड़े टेम्परेचर से छोटे की तरफ। इसका मतलब है पहला टेम्परेचर 230 है और दूसरा टेम्परेचर उसका 100 है। तो थीटा 1 हो गया कितना बेटा 230 डिग्री सेल्सियस और थीटा 2 हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बेटा डेल्टा थीटा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना आएगा 130 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आगे सुनिए। फिर कह रहा है द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम मतलब एल कितना है 540 किलो कैलोरी पर केजी, 540 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक, फिर कह रहा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन, आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी सिंबल के दे रहा है 1.6 × 10⁻², किलो कैलोरी पर मीटर सेकंड केल्विन, मीटर सेकंड केल्विन। फिर पूछ रहा देन हाउ मच वाटर विल बी इवेपोरेट इनटू स्टीम पर मिनट, बताइए कि एक मिनट में कितना वाटर सरफेस से बाहर आ रहा है, कितना वाटर। तो टाइम तो एक मिनट दे रहा है, एक मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो आपसे पूछ रहा कितना अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट हो रहा है, मतलब कितना वेपर बन रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है मास ऑफ वाटर, कितना मास, कितना वाटर एवोपरेट हुआ। ठीक, तो ये इतनी सारी चीजें हमको पता है, समस्या देखते रहना। ये किलो कैलोरी लिखा है, ये भी किलो कैलोरी लिखा है, अब इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक, तो फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा पहले, क्यू का फॉर्मूला के ए डेल्टा थीटा टी अपान एल। बोलो ठीक है क्या बच्चों, हमने आपको क्यू इक्वल एम एल पढ़ाया है, लेटेंट हीट, क्या क्यू इक्वल एम एल पढ़ाया है लेटेंट हीट, एल इक्वल क्यू बाई एम, एल इक्वल क्यू बाई एम या क्यू इक्वल एम एल। ये एल और एल देख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर मत कर देना, ये लेटेंट हीट है और ये लेंथ है, ये लेटेंट हीट है और ये लेंथ है, एल एल देकर गड़बड़ मत करना। बताओ एम कितना, नहीं पता, एल कितना 540 ये लिखा है। ठीक, इक्वल बेटा के कितना 1.6 × 10⁻², बेटा एरिया 2.5, डेल्टा थीटा बेटा 130, टाइम बेटा 60 अपॉन लेंथ 10⁻²। चलो बात ठीक, देखो ये किलो कैलोरी लिखा और ये भी किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी कैसे तो बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक भाई, यहां पर भी किलो कैलोरी होगा, यहां पर भी किलो कैलोरी होगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आपको बदलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, ये एम एल बेटा पता है, के एरिया टेम्परेचर डिफरेंस टाइम लेंथ। ठीक, अब हमको एम चाहिए तो एक काम करें, -2 से -2 कैंसिल, तो बताओ एम इक्वल आया 1.6 × 2.5 × 130 × 60 / 540। ठीक, अब एक काम करो, थोड़ा सा चाहो तो इजी बना लो, कैसे बनाना है थोड़ा, हो सकता है इधर उधर आंसर हो भी जाए, 6 0 काट दूं, 6 9 = 54। ठीक है, 6 9 = 54। अब जरा पावर एडजस्ट करना है तुमको, तो एक काम करिए 130 इसको यहीं कुछ कैंसिल कर देते हैं, ऐसा करो 3 से 3 इंच ना काटो, 9 1 = 9 कितना बचा 440 हो गया, और 9 4 = 36 चार बचेगा, 9 4 = 36 14.46 आएगा, 14. आपको बिल्कुल करेक्ट करना हो तो आप बिल्कुल करेक्ट डिजिट में ले लीजिएगा। ठीक है, तो बताओ एम कितना बेटा, 15 × 1.6 180 होता है, 15 × 16 करो 180 होता है, मेरी मैथ सही है, ठीक है 18 बचा, 15 × 1.6 = 180, एक हटा दो 18 × 2.5 कर लो, 18 5 = 90 0 9 और 18 2 = 36 और 36 9
कितना आ रहा है 45 ग्राम की केजी, किलो कैलोरी पर केजी दिया है, किलो कैलोरी पर किलोग्राम, केजी लिखा है तो ये किलोग्राम। ठीक बेटा, आंसर थोड़ा ज्यादा ही आएगा, ये 45 आएगा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही रहेगा क्योंकि यहां पर हमने जो अप्रोक्स कर दिया ना ये, तो थोड़ा चेंज कर लेना अपने हिसाब से। एम है, एल है, के है, ए है, डेल्टा थीटा है, टी है, अपॉन में ये, ठीक है, कैंसिल हो गया। एम 1.6, 2.5, 130, 60 अपॉन 540, 0, 6, 9 या 45, ठीक है, 91, ठीक 4, हाँ ठीक है, 15 इंटू 1.6, 15, 6 या 90, 09, वाह 90 09, 15 1 या 15, क्या कितने होशियार लोगों, इंटू 2.5, 25 4 जा 100 और 25 2 जा 50 और 50 और 10, वाह क्या मैथ है आप लोगों की, कमाल है। 15 × 16 = 180 आता है, 15 × 12 = 180 आता है, नोट करो बेटा। हमारे पास 3 बार्स ऑफ इक्वल लेंथ, 3 बार्स हैं जिनकी लेंथ इक्वल है, L1, L2, L3, ठीक है, तीनों में इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, तीनों में एरिया सेम है, A1, A2, A3, तीनों में सेम है, ठीक। फिर कह रहा है कंडक्टिविटी का रेशियो है 2:4:3, कंडक्टिविटी 2:4:3, मतलब पहले वाले में क्या लिखो 2K, फिर लिखो 4K, फिर लिखो 3K, ठीक है। द ओपन एंड ऑफ फर्स्ट, पहला वाला 200 °C पे है ये वाला, ठीक, और बेटा लास्ट एंड है 18 °C आखिरी वाला, ठीक है। तो कह रहा है रेस्पेक्टिवली इन द स्टेडी स्टेट कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बोथ जंक्शंस, बताइए जो दोनों जंक्शन आपको दिख रहे हैं, ये दोनों जंक्शन, इसको मैं मान लेता हूं θ1, इसको मैं मान लेता हूं θ2, इन दोनों जंक्शंस का टेम्परेचर चाहिए। इतनी बात तो दिमाग में रख लेना कि भैया 200 से बड़ा नहीं हो सकता, क्यों, टेम्परेचर फ्लो करता है हायर से लोअर, ये हायर है या लोअर है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू 200 से छोटी होगी और इसकी वैल्यू इससे छोटी होगी, ये तो श्योर है, ठीक। ये मतलब आंसर में गेस करने का, कभी मल्टीपल चॉइस में आया अगर ऑप्शन मैच कराने हैं कि नहीं सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, तो θ1 200 से छोटा होगा और θ2 θ1 से छोटा होगा, ये तो 100% होगा। अब देखो बेटा सीरीज में है, अभी इसकी प्रूविंग मैं आपको कराऊंगा, सीरीज में तीनों फॉर्म क्या होते हैं, इंटरफेस टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी और अमाउंट ऑफ फ्लो, तीनों के डेरिवेशन बताऊंगा। लेकिन यहां पर कह रहा है हीट, तो हीट बेटा जब सीरीज में होगी, सीरीज में आपने चीज देखा ना कि सीरीज में जब वायर लगे हों तो करंट सेम होता है, आपने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है कि V/I = R, वो आपने यहां पे लिखा है Δ θ/H, आपको याद है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का पहला पार्ट सीरीज, और सीरीज में सब जगह करंट सेम होता है। अच्छा सोचो करंट सेम है तो यहां क्या सेम होगा, यहां करंट को बिलोंग कौन कर रहा है, हीट, इसका मतलब है कि सीरीज में यहां क्या सेम होगा, हीट सेम होगा, जितना पहले बॉक्स को मिलेगी उतने ही दूसरे बॉक्स को मिलेगी, उतनी ही तीसरे बॉक्स को मिलेगी, तो बेटा H1 = H2 = H3, बोलो इतनी बात ठीक, H1 = H2 = H3। फॉर्मूला बेटा H का क्या होता है, Q/T, इसको लिखते हो KA Δ θ/L, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं एक एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं पहले वाले में H1 में, तो क्या फॉर्मूला ये लिखा है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बताओ K कितना है पहले का 2K, K कितना है, एरिया कितना सेम है, A मान लो देखो सेम है, ठीक, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 200 से θ1, तो क्या लिखूं 200 - θ1 अपॉन में बेटा लेंथ, बोलो पहली बार समझ में आई, कंडक्टिविटी 2K, एरिया बच्चा सेम है, टेम्परेचर 200 से θ1, 200 - θ1 अपॉन में लेंथ,
पहला जंक्शन इक्वल। अब दूसरे में चलो बताओ कितना है, 4k, 4k एरिया सेम, कहां चले थीटा वन से थीटा टू, तो थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन बेटा लेंथ, लेंथ सेम है, लेंथ सेम है। तीसरे में आओ इक्वल बेटा कितना कंडक्टिविटी, 3k, तो 3k a कहां से कहां पहुंचे थीटा टू से 18 में, तो थीटा टू माइनस 18 अपॉन, बोलो इतनी बात ठीक इस फॉर्मूले से, ठीक है। यहां पर एक चीज गौर करना, डेल्टा थीटा थीटा टू माइनस थीटा वन नहीं होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस सीरियल से चलना बिल्कुल। अगर आपने थीटा ये उल्टा घटाया तो थीटा वन माइनस 200 कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बड़े से छोटे में चल रहा है, तो पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, तो पहले 200 फिर थीटा वन। अब यहां नहीं पता है कौन छोटा बड़ा है, तो सिक्वेंस चलो थीटा वन से थीटा टू, फिर थीटा टू से 18, तो थीटा टू से 18। पहले एक काम करो, मैं इन दोनों को ले लूं, ध्यान से देखना, मैं एक दो लाइन डायरेक्ट करूंगा, मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं, इसको थर्ड मान लेता हूं, ठीक बेटा। हमने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ले लो बेटा, के ए कैंसिल, एल एल कैंसिल, बताओ यहां टू बचा, टू टू जा 4, तो यहां कुछ नहीं बचा, यहां क्या बचा 200 माइनस थीटा 1, ठीक है बेटा, यहां 2 या 2 बचा ना, ब्रैकेट ओपन करो 2 थीटा 1 माइनस 2 थीटा, ठीक है बेटा, थीटा 1 को उधर ले जाओ तो माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 इक्वल बेटा 200 इक्वेशन नंबर 4, बोलो इतनी बात सही, ठीक है। मैंने इन दोनों को लिया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, अब मैं एक काम करता हूं कि फर्स्ट चाहे थर्ड को ले लो, चाहे सेकंड और थर्ड को ले लो, जिसको आप चाहो, तो मैं इक्वेशन नंबर सीरियल से चलता हूं, सेकंड एंड थर्ड ले लेता हूं बेटा, के ए एल एल कैंसिल, यहां कितना है 4, ब्रैकेट ओपन करो तो 4 थीटा 1 माइनस 4 थीटा 2 इक्वल बेटा 3 अंदर जाएगा, तो 3 थीटा 2 माइनस बेटा 18 3 जा 54, 18 3 जा 54 माइनस 54 बेटा, इसको इधर ले आओ, चाहो तो इसको चेंज कर लो, अगर आप इसको इधर चाहते हो जैसा चेंज करना चाहो, मैं इसको इधर ले आता हूं, तो ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो बन जाएगा 4 थीटा 1 माइनस 7 थीटा 2 इक्वल माइनस 54, और लेट इक्वेशन नंबर 5, इसको क्या मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर, बोलो इतनी बात सही, मैंने एक बार ये दोनों लिए फिर ये दोनों ले लिए, आपकी इच्छा नहीं है इन दोनों के अलावा कि नहीं हम इन दोनों का ही लेना चाहते हैं, आप इसको ले लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। कोई भी अल्टरनेट दो ले लीजिए, आप पहला इसको डाल लीजिए इन दोनों को, और फिर इसको ले लीजिए, नहीं माना इसको ले लीजिए, जैसा आप चाहें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम एक काम करें, क्योंकि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है और चेंज करना ही पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, 4 का मल्टीप्लाई यहां से कर देता हूं और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं, ठीक है। 4 को ऊपर कर देता हूं इंटू 4, 4 3 12 मिल जाएगा, ठीक। यहां इंटू 3 कर दो, 3 × 4 12 मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात 4 से करो तो कितना आएगा 12 थीटा 1 माइनस 8 थीटा 2 इक्वल 204 बेटा 800 बेटा। 3 से करो 12 थीटा 1 माइनस कितना बेटा 21 थीटा 2 इक्वल बेटा 3 × 4 = 12 और 15 = 16, 162, ठीक है। इतनी बात बेटा माइनस कर दें, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, बोलो ठीक है। ये पोर्शन कैंसिल, बताया कितना बचा, ये प्लस है ये माइनस है, तो शायद 13 बचता दिख रहा है, 13 थीटा, ठीक है बेटा। माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, तो ऐड कर लो 962, तो बताओ थीटा 2 इक्वल 962 अपॉन 13, तो बेटा 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा कितना बचा बेटा 5, थीटा 2 मिल गया आपको। अब थीटा 2 को आपकी इच्छा है चाहे जहां रख लीजिए भाई, जहां आप चाहे उसको उठा के रख लें, आपको क्या मिल जाएगा थीटा 1 मिल जाएगा। तो हम चलिए एक में रख देते हैं, इसी फोर्थ वाले में रख दें, इधर दिख रहा है, ठीक। इक्वेशन फोर्थ में रख लो भाई, फोर्थ में रखो, क्या बनेगा बेटा, लिखा है 3 कहां गया, 3 थीटा 1
थ्री थीटा वन माइनस टू थीटा कितना 74, इक्वल बच्चा कितना है 200, इक्वल कितना 200, तो 3 थीटा 1 इक्वल ये हो जाएगा 200, ये बेटा उधर जाएगा प्लस, और 74 इंटू 2 कितना आएगा 348, तो थीटा 1 इक्वल 348 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा, थीटा 1 आया 116। देखो मैंने आपको यही समझाया था, ये 116 डिग्री सेल्सियस और ये बेटा 74 डिग्री सेल्सियस। देखो 116 इससे छोटा हो गया और 74 इससे छोटा हो गया, तभी तो हीट फ्लो करेगी, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर ये बड़ा आ जाए समझ जाना न्यूमेरिकल गलत कर रहा हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, कह रहा कि इन द स्टडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ एंड ए एंड बी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड ए बी। बेटा यहां पर एक रॉड है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसका एक पॉइंट ए है और लास्ट वाला पॉइंट बेटा बी है, ठीक है। फिर कह रहा है यहां पर ए का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, बेटा बी का है 0 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम 9 सेंटीमीटर ए इज, कह रहा पॉइंट ए से 9 सेंटीमीटर दूर, पॉइंट ए से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यहां से ये 9 होगा, मैं मान लेता हूं सी, ये कितना है 9 सेंटीमीटर, तो बच्चा ये कितना है 11 सेंटीमीटर, भाई मिड पॉइंट तो है नहीं, मिड होता तो 10 सेंटीमीटर कहता, तो ये 9 सेंटीमीटर, ये 11, ये सी है। बताओ सी पे टेम्परेचर कितना है, मैं क्या मान लूं थीटा, सी पे कितना मान लेता हूं थीटा, तो बताओ ये सी पे जो थीटा लिखे हो ये कितना है। एक वायर है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एक पॉइंट ए से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, जो भी पॉइंट है बताइए उसका टेम्परेचर कितना होगा। इतनी बात ठीक है, लैंग्वेज समझ गए। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, अभी मैंने आपको बात बताई थी कि टेम्परेचर डिक्रीजेस अलोंग द लेंथ, लेंथ बढ़ती जाएगी टेम्परेचर घटता जाएगा, यही बात तो पढ़ी थी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा थीटा अपान एल, ठीक, कहां से कहां तक, बहुत ध्यान समझना, कहां से कहां तक, ए से लेकर सी तक, ए से लेकर, इक्वल इक्वल डेल्टा थीटा अपान एल, कहां से कहां लेकर, सी से लेकर पी तक। बात को समझना भाई, कैसे निकाला जाता है, हमने निकाला टेम्परेचर ग्रेडियंट कहां से कहां, ए से सी, इसको स्टडी स्टेट बोला, स्टडी स्टेट का मतलब होता है कांस्टेंट, तो कहां से कहां तक डेल्टा थीटा अपान एल, लेकिन कहां से कहां बेटा, सी से लेकर बी तक, बोलो इतनी बार ठीक। डेल्टा थीटा अपान एल को क्या कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। अच्छा सोचो क्या मैं डेल्टा थीटा का बेटा यहां लिख सकता हूं 100 माइनस थीटा, 100 माइनस थीटा कितनी लेंथ है 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, बोलो बात ठीक। ये मिला ए से सी, ए से सी इक्वल बेटा डेल्टा थीटा कितना है सी से बी, ये थीटा और थीटा से कहां पहुंचे जीरो, थीटा से कहां पहुंचे जीरो अपॉन कितनी लेंथ, बोलो बात ठीक बेटा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 का 100 से करो 1100 माइनस 11 थीटा, माइनस 11 थीटा बेटा उधर गया 9 थीटा, ठीक 9 थीटा, जीरो को मतलब नहीं, 11 थीटा उधर गया, 1100 इक्वल, तो थीटा इक्वल 1100 अपान शायद 55 आ रहा है, 55 डिग्री सेल्सियस। देखो यह 100 था, जब हम 9 सेंटीमीटर आगे चले गए तो टेम्परेचर कितना बचा हमारा 55 डिग्री सेल्सियस। अब ये मैंने एक डेमो बताया आपसे, कहे 10 पे निकालो, 11 पे, 12 पे, जितना कहे सेम मेथड, मेथड चेंज मत करना। किसमें देखो थोड़ा डिफरेंस समझ लो, जैसे मान लो कंफ्यूजन के तौर पे कि हमने एच कहाँ लगाया, ये कैसे लगाया, तो बेटा यहां पर एक बात समझ लो, उसने बोला स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट को कहते हैं कांस्टेंट स्टेट, तो कांस्टेंट स्टेट में कह रहा है कि एक रॉड ले लो, उस रॉड में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है,
लेकिन उसके लेंथ 20 है और 20 के बाद ये जीरो हो गया, तो कहेगा बताओ यहां से यहां तक कितना होगा मान लो किसी पॉइंट पर। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जितना टेम्परेचर फॉल हुआ लेंथ के अकॉर्डिंग, यहां से 9 सेंटीमीटर था तो 9 सेंटीमीटर में कितना फॉल, 100 से थीटा, उतना ही फॉल जस्ट आगे मान लेना और दोनों को इक्वल कर लेना, सोल्यूशन आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, सी से बी थीटा, और कहां पहुंचे, जीरो, थीटा माइनस अपान कितनी लेंथ 11, ऐसे 11 पे कहता तो यहां पे आता 100 माइनस थीटा अपान 11 और यहां पे आता थीटा माइनस 0 इक्वल 9 अपान 9, 12 पे कहता, 13 पे कहता, जितने पे कहता आप सोल्यूशन कर सकते। ठीक है, इतनी बात नोट कर लो।